क्या कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी फैल सकता है? बहुत बड़ा सवाल लगातार अब दुनिया में छाया हुआ है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार यही सवाल का जवाब लेके मैं आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सवाल पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है। लगातार लोग कह रहे थे कि 3 गज की दूरी बना के रखें, 6 फीट की दूरी बना के रखें, अलग अलग बातें कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे जब कोरोना वायरस शुरू में स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे सिर्फ उन्हीं लोगों को मास्क लगाने की जरूरत है जिनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं या फिर खांसी जुखाम आ रहे हैं, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो उसी इंसान तक रह जाए। उसके बाद फिर कही जा रही थी कि हर इंसान को मास्क लगाना जरूरी है और देश में भी हर व्यक्ति के लिए मास्क बाहर निकलते समय इम्पोर्टेंट बना दिया गया था। लेकिन अब 200 से ऊपर साइंटिस्टों का एक नया रिसर्च आया है, करीब 32 देशों के ये साइंटिस्ट हैं और न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर छपी है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिजीज हो सकता है। एयरबॉर्न डिजीज उनको कहते हैं जो हवा के द्वारा फैल सकते हैं। बैक्टीरिया भी फैला करती है हवा के द्वारा कई जगह, तो हवा के द्वारा फैलने की बात कही गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर हवा के द्वारा फैल सकता है तो जो नॉर्मल मास्क हुआ करते, मैं आपको दिखा दूं, ये सर्जिकल मास्क है और ये इस तरह का कॉटन का मास्क आता है, इस तरह के मास्क उस हवा वाले वायरस को रोकने में असमर्थ है। यानी कि अब आपको N95 मास्क से कम से काम नहीं चलने वाला है। सैनिटाइजर लगा लिया, मास्क पहन लिया, बस काम हो गया, कोरोना वायरस से बच गए? जी नहीं, अब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नए साइंटिस्टों की अगर बातों को माने तो कोरोना वायरस हवा में फैलने की बात इसलिए कही जा रही है कि कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। N95 मास्क इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां बड़े शहरों में PM2.5 जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है, वहां N95 ही आपको पोल्यूशन से बचा सकता है। पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूशन के वो 2.5 माइक्रोमीटर के, और जो कोरोना वायरस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने सिस्टम पे, जो कोरोना वायरस है वो 120 नैनोमीटर का होता है। यानी कि आप समझ लीजिए 1000 नैनोमीटर का एक माइक्रोमीटर होता है, और जो PM2.5 होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। यानी कि इस कोरोना वायरस से कई ज्यादा गुना, यानी कि मैं कहूँ अगर आम शब्दों में 25 गुना ज्यादा, जो N95 मास्क के लिए बताया जाता है कि वो N95 मास्क रोक पाएगा। अगर कोरोना वायरस का साइज ये है 120 नैनोमीटर, तो N95 मास्क का भी रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अलग अलग जो बैक्टीरिया और अलग अलग वायरस और बाकी जो बीमारियों के जो जड़ हुआ करते हैं वो अलग अलग साइज के किस तरह से आया करते हैं। आप देख लीजिए, ये 100 नैनोमीटर है, इसके अंदर फ्लू वायरस, पोलियो वायरस, प्रोटीन्स जो सबसे बड़ा सोर्स है कोरोना वायरस, वो सारे के सारे 100 नैनोमीटर से कम आते हैं। साथ में बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर, रेड ब्लड सेल 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा आता है। जो प्लेन जिससे आपको छींक आ जाती है वो करीब 100 माइक्रोमीटर, यानी कि कोरोना वायरस से करीब 1000 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है। जो 2.5 माइक्रोमीटर का जो पोल्यूशन होता है, जिसको PM2.5 कहा जाता है, वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे इंटरनल पार्ट तक पहुंच जाता है, जो ब्लॉकेज करता है हमारे सांस की नली में, ब्लॉकेज करता है जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। और वहीं देखिए PM0.1 यानी कि 1 नैनोमीटर, माफी चाहूंगा 100 नैनोमीटर के करीब होता है, वो सीधा इतना छोटा पार्टिकल होता है वो लंग्स तक तो पहुंचता ही है, साथ ही खून में मिलकर आपके दिमाग को भी असर कर सकता है, ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। यानी कि जो कोरोना वायरस का जो साइज है वो इतना छोटा है, अगर हवा में मिल जाए तो वो आपके ब्रेन तक भी जा सकता है, आपको ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इतना छोटा है। आंखों से तो जा ही सकता है, और मास्क लगाने, इस तरह के अगर मास्क लगाते हैं फिर भी वो आपके अंदर संक्रमित कर सकता है। पहले कहा जाता था कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकते समय ही कोरोना वायरस बाहर निकलता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के साथ, जो बहुत भारी हुआ करते हैं ड्रॉपलेट्स, और वो ड्रॉपलेट्स 6 फीट की दूरी ही तय कर सकते हैं, क्योंकि उन ड्रॉपलेट्स के साथ मिलने की वजह से कोरोना वायरस का आकार 100 गुना बढ़कर 10 माइक्रोमीटर हो जाता है। वहीं अगर कई संक्रमित लोग बिना मास्क के बातें या खांसते हैं एक ही जगह पर और वातावरण में नमी कम हुई, तो उस वायरस का आकार हल्का हो जाएगा और हवा के थोड़े से दबाव से ही दूर तक वायरस पहुंचने में कामयाब हो सकता है। और वहीं आकार छोटा होने के कारण हल्के मास्क में आराम से घुसने में कामयाब हो जाएगा। तो यानी कि अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है,
और जितना हो सके जितने भी लोग हैं आपके आसपास अगर घर में भी हैं तो मास्क पहनने की कोशिश करें। अगर हर व्यक्ति मास्क पहनेगा तो उसके मुंह तक ही वो ड्रॉपलेट रुक जाएगा हवा में, वो एंटर ही नहीं हो पाएगा ताकि आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह की समीक्षा के लिए देखते रहिए जन की बात। धन्यवाद।